माँ, आज तक आपसे इस दुनिया में कुछ भी नहीं छिपा होगा। मुझे मेरा उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा है, लेकिन वो आपसे नहीं छिपा होगा। चलो 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 चलो। अरे बच्चाबंडी, क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो? चलो चलो, डांस मास्टर गिर पड़े, आज तुम लोगों को डांडिया सिखाएगा, ठीक है? लंदन में अभी 8 बज रहे होंगे। अरे मुंह बात अलग है। डांडिया डांडिया, चलो चलो प्रैक्टिस करो। 1 2 मारो। दो बच्चे साहब, क्या क्या आज कर रहे हो? उठो उठो, प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है, उठो। कहाँ है उद्वंशक? कहाँ है उद्वंशक? कहाँ होगा वो उद्वंशक? आज मेरे उत्तराधिकारी की जान खतरे में, और मैं चाहकर भी उसकी रक्षा नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन माँ, अगर आपके दिखाए गए अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले इम्तिहानों में मैं खरा उतरा हूं, तो आज आपका भी इम्तिहान है। आज आपको साबित करना होगा कि बुराई कभी भी अच्छाई से नहीं जीत सकती। आज मेरे उत्तराधिकारी की रक्षा आपको करनी होगी मां, आपको उसकी जान बचानी होगी। किरपड़े अंकल के स्टेप डांस के काम बल्कि फिजिकल ट्रेनिंग के ज्यादा होते हैं, इसलिए मेरे यानी कि सलमान भाई जान के स्टेप्स कॉपी कर दें, तो देखो और सीखो। चिंटी, फेंक तुम ये सांपस चचुंदर पे। नहीं भैया, जब आएगा सही मौका तभी हम लगाएंगे चौका, ठीक है? मौका तुम चुनोगे, लेकिन चौका तो सिर्फ विवान ही मारेगा। तुम सांप फेंको तो सही। बालवीर के उत्तराधिकारी को तुझे खत्म करना होगा उध्वंशक। मौके मिलते नहीं हैं, ढूंढे और बनाए जाते हैं। अरे कहाँ गया वो भंगार, मेरा मतलब भयमार, मुझे छोड़ के कहीं बालवीर के हाथों मारा तो नहीं गया? और मारा भी गया तो मुझे क्या, मैं तो तिमनासा का वफादार बन जाऊंगा। अरे नेत्रपरी जी, आप भाग आए उस डायन के चंगुर से। अच्छा किया, बिल्कुल अच्छा किया। मेहमान नवाजी की कोई तमीज नहीं उस तिमनासा को, और संगत के मामले में तो क्रमांक एक की चुड़ैल है वो चुड़ैल। हाँ।
बहरानी ऐसा मैं नहीं, मैं तो आपका ही भक्त हूँ। एक, एक, एक बात बता दीजिए, आप इस परी के अंदर कैसे घुस गई? तिमनासा जो चाहे, जब चाहे, जैसा चाहे कर सकती है। लेकिन इस बार उत्तराधिकारी के पीछे उध्वंसक को लगाकर भयमार ने अपनी बुद्धि का परिचय जरूर दे दिया है कि वो गलती से ही सही लेकिन कभी कभी अपनी बुद्धि का सही प्रयोग कर लेता है। फिर तो उस नए बालवीर को कोई नहीं बचा सकता। बताइयो भैरानी, बताइयो। बालवीर का उत्तराधिकारी मरा हुआ किसी काम का नहीं है बल्कि जिंदा अनमोल है और उसकी सही कीमत मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता, समझे? अच्छा, आप उस जिंदा नए बालवीर का क्या करोगी? ज्यादा सवाल करना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। तौबा तौबा। तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि उत्तराधिकारी के बारे में भयमार ने तुम्हें क्या क्या बताया है। बताया ना, बताया है। वो बेवकूफ बड़बोले के पेट में कोई बात छुपती कहाँ है बहरानी? वो कौन है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन कैसा दिखता है वो मुझे पता। मैं आपके लिए उस उत्तराधिकारी को ढूंढ लाऊंगा, लेकिन बदले में वो जो काल सर्प ग्रह है ना, जिसको आपने जबदाली के नाम किया है, वो मुझे दे दीजिएगा। छोटा ग्रह है बस, छोटा तोबा तोबा, छोटा ग्रह बस। इस लायक तो नहीं हो तुम तोबा तोबा, पर अगर तुम उत्तराधिकारी को ढूंढकर मेरे पास ले आए तो जाओ। दिया कार सर्प ग्रह के लिए तो मैं बालवीर के अगले 10 उत्तराधिकारी को ढूंढ लाऊंगा। भैरानी की जय हो, भैरानी की जय हो। क्यों चिंटी, कब आएगा सही मौका? अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, फेंक दूं क्या सांप इसके ऊपर? ठीक है भैया, जब कंट्रोल लाओ ना तो अपनी मन की करी ले लीजिए। जाओ फेंक दो इस पे सांप। ठीक है। छोटा थी आ रहा है क्या? पहली बार शिकारी शिकार में फंसने आ रहा है। आप किससे बात कर रही हैं नेत्रपरी? वो कुछ नहीं, एक बच्चा था, मुझे लगा आपका उत्तराधिकारी है, लेकिन कोई और निकला। आज विवान डर के मारे ऐसा कूदेगा जैसे उसके पैर में स्प्रिंग लगे हो। विमान कहाँ गया? अब तू कूदेगा ऐसे जैसे पांव में स्प्रिंग लगी हो। जी, आपके सपूत के, मेरे मतलब सपूत के गले में सांप। नेत्रपरी, हमें उध्वंसक को ढूंढना होगा, उसी की वजह से मेरा उत्तराधिकारी खतरे में। चलिए। Ah, son!
तो निकालो ना। अरे कोई साहब पकड़ने वाला है। आजा, सगे शांत रह। कानून साहब को पकड़ेगा। चिंटू बेटा, हिला मत। सीधा खड़े। क्या करूँ? क्या करूँ? एक मिनट। बालवीर, वो बच्चा नकली सांप से इतना क्यों डर रहा है? नकली सांप से किसी को डरते हुए पहली बार देखा है मैंने। नेवले ने मेरे बच्चे के ऊपर सांप डाला है, बोलो। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। कहा था ना मैंने, मौका तुम ढूंढो। चौका तो विवान ही लगाएगा। वो उत्तराधिकारी जब अकेला होगा उस पे तभी वार करना। बाल्लोक के इस बुरी शक्ति ने शौर्य हमारे बालवीर के उत्तराधिकारी के जान लेने की कोशिश की। अब आप बताइए शौर्य, इसका क्या करना है? कारावास में डाल दो इसे। शौर्य, इसके चले जाने से भी काल लोक की बुरी शक्तियां कम नहीं होने वाली है, लेकिन वो उद्वंशक वो अभी भी बालवीर के उत्तराधिकारी के तलाश में है, और वो उस तक पहुंचे इससे पहले हमें परी तारा को जागृत करना ही होगा, और उसके लिए मैं अखंड तारा परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार हूं। तुम जानते हो बाल परी, उस परीक्षा से कठिन कोई परीक्षा नहीं है। इस परीक्षा में तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैं जानती हूं शौर्य, लेकिन दुनिया को बालवीर की जरूरत है। आप परितारा प्रकट कीजिए, मैं तैयार हूं। जब तक ये परितारा नीला नहीं हो जाता तब तक तुम्हें परीक्षा से गुजरना होगा बाल परी। मैं बालवीर और उसके उत्तराधिकारी के लिए किसी भी परीक्षा से गुजरूंगी। रो मत भैया, जिसने भी आपके ऊपर सांप फेंका है अपन उसकी जम के क्लास लेंगे। हाँ, जम के क्लास लूंगा मैं उसकी। किसने मेरे फूल से बेटे के ऊपर ये नकली सांप डाला है? अरे ये सब तो चिंटू का ही है, जो चिंटू विवान पर फेंकने वाला था।
हमें सांप मंगवाना होता तो हम अफ्रीका से मंगवाते ना, किंग कोबरा। ये चीप लोकल सांप विवान का ही होगा, क्यों बेटा? बिल्कुल। मतलब फिर उसे बच्चे की बदमाशी थी। इस मोहल्ले का छोटा गब्बर सिंह है ये लड़का। रोके ये तब करने से। बाल परी परिणाम समझते हुए पूरी दुनिया की भलाई के लिए इस परीक्षा से गुजर रही है ज्वाला परी, इस तरह बीच में उनका तप भंग करना उचित नहीं है। लेकिन शौर्य, अगर तप के बाद भी परी तारा जागृत नहीं हुआ तो, अगर बाल परी को कुछ हो गया तो? अच्छाई और अच्छी नियत की ताकत पे विश्वास रखो ज्वाला परी, हमारी उम्मीदें ही बाल परी को ताकत देंगी और तुम देखना जीत हमारी ही होगी। क्या गुजरेगी बालवीर के दिल में अगर उसने अपनी मां को इस हाल में देख लिया तो? ये उद्धंशक कहीं इस बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। किधर गया वो साहब? हेलो, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हमेशा मेरे बीच में आ जाते हो। तुम सांप के रास्ते में थे, एक तो तुम्हारी जान बचाई और। हेलो, तुम्हें जान बचाने का बहुत शौक है ना? पहली बात, जो तुमने सांप देखा ना वो नकली था, और दूसरी बात, मुझे एहसानों से एलर्जी है, याद नहीं है क्या? लाइफ में कुछ भी करना, बस विवान की जान मत बचाना। लेकिन देव, क्या हुआ? जो हमने सांप देखा था वो उस तरफ है। चल चलो सब ढूंढते हैं। चलो। हाँ हाँ, एक नकली सांप को ढूंढने के लिए पूरा परिवार एक साथ गया, क्या अजीब लोग हैं। बबू तितली, बालवीर इतना ढूंढ लिया लेकिन ये उद्वंचक तो कहीं मिल ही नहीं रहा। हाँ, और उसे ढूंढते हुए रात भी होने वाली है। भारत नगर के सभी लोग गरबे के लिए पंडाल में इकट्ठा हुए होंगे और उनमें से ही कोई मेरा उत्तराधिकारी होगा। हमें तुरंत भारत नगर जाना चाहिए। तुम सही कह रहे हो बालवीर, उद्वंशक शायद उत्तराधिकारी को ढूंढते हुए वहां चला गया होगा। हमें देर नहीं करनी चाहिए। परियो, आप सब के सब भारत नगर में आ जाइए। मुझे तो लगता है बालवीर ये गरबा देकर डर गया होगा। वो इसलिए नहीं मिल रहा मस्ती परी क्योंकि हम लोग परियों की नजरों से ढूंढ रहे थे उसे। अगर हमें उद्वंशक को ढूंढना है तो उद्वंशक की नजरों से ढूंढना होगा, परियों की नजरों से नहीं। आप सही कह रही हैं वायुपरी, अगर मैं उद्वंशक होता तो चकमा देने के लिए छोटा हो जाता या रूप बदल लेता या गायब हो जाता। मिलूंगा नहीं तो दिखूंगा भी नहीं, यहीं पर डटा रहूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि उद्वंशक यहीं कहीं है, बस मारने का सही मौका देख रहा है। तुम सही कह रहे हो बालवीर, वो चाहे किसी भी रूप में हो वो यहीं कहीं होगा। हम सबको ढूंढते रहना चाहिए। चलो। ये पाइनएप्पल मुझसे बदला लेने की प्लानिंग कर रहा है, लगता है इसके ऊपर फिर से सांप फेंकना पड़ेगा। लेकिन वो एक ही सांप से वापस कैसे डरेगा? अरे वो चिंटू है, वो एक ही सांप से 10 बार डरेगा। लेकिन सांप फेंका कहाँ पे था? पता नहीं।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.